वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इस चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम वजाहत है। मैं हूं मुबशिर। सो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मतलब नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आते हैं सीधा टाइटल पे। तो 7 रिच इंडियंस नेवर शो ऑफ, रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब सारे बिलियनर्स जिसमें जो अमीर लोग हैं वो बताए गए हैं साथ, जो कभी शो ऑफ नहीं करते। मतलब जिस तरह अमीरों का है ना वजह, वो शो ऑफ करने लग जाते हैं। तो देखते हैं कौन से मतलब ये इसमें है। हाँ मुझे थोड़ा सा पैसा आ जाता है गाड़ियां निकाल के सही बात है। कुछ ज्यादा ही अकड़ रहे होते हैं बिल्कुल इसमें कोई शक। तो देखते हैं पहले वीडियो, लाइव हिंदी का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो कौन से ये 7 लोग हैं, तो काउंट डाउन करते हैं स्टार्ट। दिखावे की दुनिया में दिखाते ही रह गए, जो सादगी में थे वो आगे निकल गए। दोस्तों कहा जाता है कि पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है, क्योंकि पैसे में एक ऐसा नशा होता है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि जब किसी इंसान को नाम, दौलत, शोहरत या कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर एक अलग सा घमंड आ जाता है और वह अपनी इस कामयाबी का दिखावा करने लगता है। अब यूं तो दुनिया में शो ऑफ करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है और आपको अपने चारों तरफ भी ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितने ही अमीर या कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो फिर भी अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और दोस्तों आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो बेहद कामयाब होने के बाद भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और कभी भी अपनी कामयाबी या शोहरत का शो ऑफ नहीं करते। मतलब साथ तो चलिए दोस्तों अब बिना देर किए हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे मजे हुए एक्टर्स में से एक नाना पाटेकर के बारे में। अब हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो में मौजूद बाकी सभी सेलिब्रिटीज के मुकाबले नाना पाटेकर सबसे ज्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि वह जिस फील्ड से आते हैं वहाँ शो ऑफ करना लोगों के एक काम का हिस्सा होता है। बिल्कुल ये बात है। ऐसे में उनका शो ऑफ न करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। वह इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि अगर वह चाहें तो बड़े आराम से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी भी शो ऑफ नहीं करते और हमेशा सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वैसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वह एक छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहते हैं। इसके अलावा जहाँ दूसरे सेलिब्रिटी बड़ी बड़ी और लग्जरियस गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं नाना आज भी अपनी महिंद्रा जीप के 1955 मॉडल को चलाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि नाना शायद कंजूस हैं, लेकिन असल में वह इन सभी चीजों को फिजूल खर्च मानते हैं और वह अपना पैसा गरीब और जरूरतमंद लोगों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद से उनकी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। और इस बात से पता चलता है कि वह एक बड़े स्टार होने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाने वाले फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा। क्योंकि सिंप्लिसिटी की जब भी बात होगी उसमें रतन टाटा का नाम तो जरूरी शामिल किया जाएगा। वैसे यह बात तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि रतन टाटा भारत के जरूरतमंद लोगों की कितनी ज्यादा मदद करते हैं। टाटा को यह सीख उनके परिवार से ही मिली है, क्योंकि शुरुआत से ही इस परिवार के लोग खुद से पहले देश और देश के नागरिकों की सहायता करते हुए नजर आए हैं। और इसका सबूत यह है कि टाटा ग्रुप कंपनी की 65% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग्स उनके द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाई गई चैरिटेबल संस्थाओं के पास है। यानी कि इसका मतलब यह होगा कि टाटा कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत के लोगों की मदद के लिए जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी रतन टाटा अपने पर्सनल हिस्से में से भी समय समय पर करोड़ों रुपए दान करते आए हैं। और भारत के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो रतन टाटा ही वह व्यक्ति है जो कि सरकार से पहले भी उन लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। अब रतन टाटा भले ही पैसों के हिसाब से खड़ा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन दिल के मामले में बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। खैर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। सुंदर पिचाई को इस समय दुनिया के सबसे कामयाब CEOs में शुमार किया जाता है। वैसे आज भले ही वह कामयाबियों की बुलंदियों पर हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कभी भी नहीं भूलते
और हमेशा दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। दरअसल सुंदर पिचाई का जन्म 1972 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनका शुरुआती जीवन चेन्नई शहर के अशोक नगर इलाके के एक दो रूम के अपार्टमेंट में बीता था। हालांकि आज की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सुंदर पिचाई की एक दिन की कमाई 5,87,00,000 रुपए है, जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी जिस तरह से वह एक सिंपल लाइफ जीते हैं, वह वाकई में काबिले तारीफ है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक रजनीकांत सर के बारे में। अब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि भारत के अंदर रजनीकांत को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि बहुत से लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। और उनके अलावा दुनिया के किसी भी मूवी स्टार को इतना बड़ा सम्मान कभी भी नहीं दिया गया है। लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंच कर भी वह जिस तरह से सिंपल लाइफ जीते हैं, इनको काफी फेमस बहुत हैं। दरअसल बैंगलोर शहर में जन्म शिवाजीराव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत ने फिल्मों में आने से पहले काफी स्ट्रगल किया था। पर आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी, एक समय पर वह सामान उठाने वाले कुली और एक बस कंडक्टर का काम किया करते थे और यही वजह है कि आज वह इतने सिंपल है। रजनीकांत दुनिया के अकेले ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्म फ्लॉप हो जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुए नुकसान के पैसे अपनी जेब से भरते हैं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी करना, शूटिंग के लिए सेट पर सबसे पहले पहुंचना, अपनी कार खुद ड्राइव करना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना उन्हें दुनिया के दूसरे सुपरस्टार से बिल्कुल अलग बनाता है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं पूर्व भारतीय बल्लेबाज, कप्तान और महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बारे में। वैसे दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि राहुल द्रविड़ के बारे में न जानता हो, क्योंकि एक समय पर वह भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। अब हम सभी यह तो जानते हैं कि वह कितने कामयाब और कितने बड़े दर्जे के क्रिकेटर रहे, लेकिन इतनी कामयाबी और शोहरत कभी उनकी सिंपलिसिटी पर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि जहां दूसरे क्रिकेटर्स आए दिन नए नए विवादों में पड़ते रहते हैं, वहीं द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़े। और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सबसे कूल माइंडेड क्रिकेटर्स में शुमार किया जाता है। और दोस्तों, द्रविड़ हमेशा से ही अपने फैंस का सम्मान करते हैं और मौका मिलने पर वह उनसे पर्सनली मिलने के लिए भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उनका प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर करना, बैंगलोर शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट में घूमना और टैलेंटेड क्रिकेटर्स की आगे बढ़ने में मदद करना उन्हें एक महान क्रिकेटर के साथ ही एक अच्छा इंसान भी बनाता है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनके बिना हमारी आज की यह लिस्ट पूरी हो पाए। दरअसल अब्दुल कलाम जी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें देश का हर एक नागरिक प्यार करता था, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल BRDO और इसरो में काम करते हुए बिताए और बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए किए गए काम की वजह से उनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ गया था। पर अपने जीवन में इतना कामयाब होने के बाद भी वह हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जीना प्रेफर करते थे। और APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत सारी वीडियोस आप लाइव हिंदी चैनल पर देख सकते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले विप्रो कंपनी के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेम जी के बारे में। अब सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अजीम प्रेम जी एक बड़े बिजनेस टाइकून होने के साथ ही अपने सादगी भरे जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। अब यूं तो वह हमेशा ही भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं, लेकिन आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि जो इस समय उनकी नेटवर्थ है वह उससे 4 गुना ज्यादा संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, रतन टाटा की तरह ही अजीम प्रेम जी भी अपने डोनेशंस करने के लिए जाने जाते हैं। और साल 2020 में उनके द्वारा की गई डोनेशंस का अगर हिसाब लगाया जाए तो इस साल उनकी डोनेशंस 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन निकलकर सामने आती है और ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। अजीम प्रेम जी उन लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोगों पर कोई मुसीबत आने पर उनकी मदद के लिए सबसे पहले सामने आते हैं और उनकी यही चीज उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ ही एक महान इंसान भी बनाती है, और वह भी अपनी लाइफ को बिल्कुल आम लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे भारतीय लोग जो कि अमीर होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ हैं।
बाकी आपके हिसाब से अगर लिस्ट में कोई रह गया तो ये वीडियो खत्म। तो यार मैंने लास्ट वाले ने यार मुझे उनका बिल्कुल नहीं पता था, मैंने नाम सुना हुआ था कि विप्रो के थे लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये वाले इतनी डोनेशन करते हैं 22 करोड़ पर डे का, पर डे का वजाद इंडियन रुपीज, वो भी यहाँ का 50 कर दे तेरी इतनी बड़ी डोनेशन, क्या कैसे ये कमाते हैं इतना, जो मतलब इंडिया के टॉप 10 में आते हैं रिचेस्ट बंदों में, और अपनी जितनी अभी नेटवर्क है ना उससे 4 गुना ज्यादा पैसे डोनेट कर चुके हैं यार, मतलब सल्यूट है इस बंदे को यार। आजकल का जो जमाना चल रहा है ना, मैं सच्ची बात करूंगा, जमाने जिसके पास जितना पैसा आ जाए वो कहते हैं मेरे पास इससे ज्यादा है मैं कहीं ना लगाऊं, ठीक है, और ये बंदे कह रहे हैं कि भाई मैं लगाऊं लगाऊं। और इसमें ये लास्ट वाले ने काफी शौक किया, मैं बिल्कुल आईडिया ही नहीं था बंदे का यार, प्रेम जी जो थे और सुंदर पिचाई, बाकी वो अपना पास्ट नहीं भूले कि वो कैसे थे, बिल्कुल देखो, और नाना पाटेकर जो थे सिंपल बिल्कुल देख कितने बड़े 55 सीरीज की गाड़ी अभी तक वो चलाते हैं, और रजनीकांत को ड्राइव करते हैं सिंपल कपड़े, अगर किसी का मतलब नुकसान मूवी वाले का फ्लॉप मूवी हो जाती है नुकसान हो जाता है तो अपने से उनको पैसे देते हैं। ऐसा मतलब इनकी मूवीज ऐसी हैं कि वो पूरे बॉलीवुड और सब में छाई रहती हैं, तो मतलब इतना होता नहीं, चल कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाए तो वो तो जहरी बात है फिर करते होंगे, लेकिन इतना बड़ा दिल रख, रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता, उनका तो मतलब एपीजे अब्दुल कलाम इनको कोई नहीं जानता, बच्चा बच्चा फैन और बच्चा बच्चा इनको जानता, बच्चे बच्चे और, की पे और यार शिवाजी जो है थे ना मतलब वो पहले मतलब कंडक्टर थे बस के, मुझे नहीं पता था यार, और बस के कंडक्टर खुली ट्रेनों के स्टेशनों पे, और राहुल डेविड जो थे वो भी यार किस तरह देख कैसे रक्षे में बैठे हुए इकोनॉमिक क्लास में, अच्छा और क्या क्या यार मतलब सल्यूट है लोगों ने, मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटीज हो वो बिजनेस क्लास भाई लग्जरी कार BMW रखते हैं क्लास की, इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां वो रखते हैं, और ये कंजूसी नहीं होती, वो कहते हैं ना आप पे एक अच्छा वक्त आया तो अपने पुराने वक्त को ना भूलो, मतलब औकात से बाहर ना निकल जाओ, ये वो लोग थे जो मतलब नहीं निकले और सिंपल लाइफ जीना इन्होंने पसंद किया, कोई शक नहीं तो है, यार सलूट है इनको। काफी जबरदस्त वीडियो थी, हमें बहुत ज्यादा पसंद है, आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तो यार बाय।